दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक करना है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने नया नियम निकाला है कि मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री आवास सहित सभी तरह की योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों पर भी यह लागू होगा। कि स्मृति में भी हम एक पेड़ लगाएंगे तो हम बड़ी सेवा करेंगे। हमने अंकुर कार्यक्रम बनाया है और वायु दूत करके एक ऐप बनाया है जिसमें मैंने अपील की थी 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन कि लोग पेड़ लगाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुझे खुशी है कि चंद दिनों में ही 15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर पेड़ लगा के फोटो अपलोड करें। मुझे खुशी है कि 2,500 लोगों ने पेड़ लगा के फोटो भी अपलोड किए। अब इस अंकुर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो पेड़ लगाएंगे उनको वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगनाएं की संज्ञा दी जाएगी और उन्हीं में से चयनित प्रतिभागियों को हम पुरस्कृत करने का काम भी करेंगे। अगर धरती बचानी है, आने वाली पीढ़ियों के लायक धरती को रहने लायक रहने देना है तो पर्यावरण बचाना पड़ेगा। इसलिए पेड़ लगाएं, नदियां बचाएं। हमने एक फैसला और किया है सरकार ने कि अब बिल्डिंग परमिशन के साथ ये शर्त अनिवार्य की जाएगी कि मकान अगर आपका बन रहा है तो बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जाएगी कि आप एक पेड़ लगाएंगे। और नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जिस स्तर का भी निकाय हो, वो बिल्डिंग परमिशन के साथ ही इसका हिसाब लगेगा कि उन्हें पेड़ लगाया कि नहीं लगाया। पेड़ लगाएं वो घर पे लगाएं, घर पे जगह ना हो तो किसी पार्क में लगाएं, अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पे लगाएं, लगाएं भी और उसकी सुरक्षा भी करें। गांव में भी ग्राम पंचायतों की जवाबदारी होगी कि जो भी मकान बनेगा उसकी शर्त यही होगी कि उसके साथ एक पेड़ लगे। चाहे प्रधानमंत्री आवास भी बने तो एक पेड़ लगाने का की शर्त उनके साथ रहेगी। सरकार का यह फैसला वाकई सराहनीय है और इंडिया खबर लाइव की टीम इसका पूरा समर्थन करती है। आज हमारे भोपाल डिवीजन के साथियों ने भी वृक्षारोपण किया और पर्यावरण दिवस मनाया।